Hello everyone, welcome to back with nursing classes. Today I am discuss about differentiation media. यानी कि हम लोग last class में देखे थे कि last हमारा selective media agents and functions. हमारा चल रहा था macro organism की study method. यानी कि कौन कौन सी method होंगे study करने के लिए macro organism की. ठीक है, तो ये हम टॉपिक पे बात कर रहे थे जिसकी सेकेंड पार्ट है डियर. यहाँ से हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन मीडिया. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, स्टडी करवाएंगे, इसमें क्या क्या इसमें होगा, कैसे हम करेंगे, लैब में क्या किया जाता है या फिर इसकी मेथड क्या होंगी, ये सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, यदि आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में किसी भी फील्ड से हैं, तो आपको यदि माइक्रोबायोलॉजी की नीड है तो आपके लिए भी बेनिफिट होने वाले, हेल्पफुल होने वाले हैं डीएन. तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. देखिए इसमें डिफरेंशिएशन मीडिया में आपका क्या दिया गया कि ग्रो सेवरल टाइप्स ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि इसमें जो ग्रो करेगा डिफरेंट में, डिफरेंट का मतलब भी होता है ना अलग अलग, तो इसमें जितनी सारी मैक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे अलग अलग टाइप्स के, यानी कि सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करेंगे. एंड डिजाइन भी रहेगा उसकी अलग अलग, डिस्प्ले भी विजिबल होगा, डिफरेंशिएशन होगा, अलग अलग होगा अमंग दोज, किसके बीच में, मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में. डिफरेंशिएशन जो होगा शो अप एज वेरिएशन रहेगा, उसकी जो कॉलोनी बनाएंगे एक साथ जो रहेगा डियर ऐसे करके जो भी, तो ये इसकी जो कॉलोनी रहेगी क्या कॉलोनी भी अलग रहेगा, वेरी करेगा, वेरिएशन का मतलब डिफरेंट है. ठीक है, एंड आपका कलर साइज ये सारे इसकी क्या रहेगी, बिल्कुल ही वेरी करेगा. इन मीडिया कलर चेंजेस रहेगा, इन फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एंड आपका प्रेसिपिटेट्स, यानी कि इसकी जो फॉर्मेशन जो बनाएगा, जो फॉर्मेशन होंगी गैस बबल्स होगा एंड प्रेसिपिटेट होगा, तो इसमें आपका क्या रहेगा कलर चेंजेस हो सकता है. ठीक है, ये चीजें बताया इसमें कि सब चीज तो वेरी कर रहा है, हर एक चीज इसकी डिफरेंट हो रही है. साइज में जो भी मीडिया बनाएगा वहां पे जब टेस्ट किया जाए या फिर उसको देखा जाए तो उसमें कलर उसकी चेंजेस हो जाएंगी. और क्या हो सकता है, इसकी फॉर्मेशन जो बनेंगी उसकी गैस बबल की तरह दिखेंगी और आपका प्रेसिपिटेट होगा, तो ये दोनों चीजें इसमें ध्यान रखना जरूरी है. नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसमें आपका क्या दिया हुआ कि मीडियम. ठीक है, और आपका यहाँ पे सब्सटेंस डाइट फैसिलिटेटेड डिफरेंशिएशन कैसे आप सोचेंगे, एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन किसके किसके बीच में डिफरेंट किया जाएगा. ठीक है, फर्स्ट में हमारा ब्लड अगार है, सेकेंड में हमारा हेक्टोन है, एंड आपका एंटेरिक अगार है, थर्ड में आपका स्प्रिट ब्लू अगार है, फोर में यूरिया बोर्थ है, एंड फाइव में हमारा सल्फर इंडोल मोर्टिलिटी ट्रिपल सुगर आयरन एगार है. ठीक है, इतनी सारे यहाँ पे मीडियम दिया गया, ये सारे मीडियम है. ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या बताया था कि मीडिया के बारे में कलर चेंजेस होगा. तो इसमें फर्स्ट में हमारा जो ब्लड एगार की बात किया है डियर, इसमें ब्लड एगार में हम बात करेंगे, इसमें इंटैक्ट रेड ब्लड सेल्स होगा, एंड मैनिटोल इसमें मैनिटोल होते हैं, फिनोल रहेगा इसमें, एंड 7.5% सोडियम क्लोराइड होंगे इसमें. ठीक है, ये सब्सटेंस मतलब पदार्थ होता है. तो क्या क्या मिला इसमें, रेड ब्लड सेल्स इंटैक्ट रहेगा, मैनिटोल होगा और फिनोल रहेगा, 7.5% NaCl रहेगा. इसमें आपका डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में आपको डिफरेंस करना है, तो टाइप्स ऑफ हीमोलाइसिस एंड स्पेसिस ऑफ स्टेप NaCl के बीच में. ठीक है, हीमोलाइसिस और जो अलग अलग प्रजातियां जो होंगी आपका सोडियम क्लोराइड के बीच में डिफरेंट होगा. नेक्स्ट हमारा देखिए आपका हेक्टोइन एंटेरिक अगार, जिसमें क्या हो रहा है आपका इसमें कि ब्रोम आपका ब्रोम थायमोल ब्लू. ठीक है, ये ब्लू कलर का आ जाएगा, इसमें एसिड फ्यूजन रहेगा, सुक्रोज होगा, सैलिसिन होगा, एंड आपका थियोसल्फेट होगा, फेरिक होगा, एंड अमोनियम सिट्रेट होगा, एंड बाइल होगा. तो ये सारे इसमें सब्सटेंस चाहिए किसके लिए, ये आपका हेक्टोन एंट्रिक अगार के लिए. ठीक है ना, हेक्टोन एंट्रिक अगार के लिए यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सब्सटेंस उसमें नीड, ऐसे अगर क्वेश्चन आए क्या क्या इसमें आ सकता होंगी, तो आपको इसमें से तीन चार पॉइंट को राइट डाउन करना है. नहीं यहाँ पे दिया गया है इसमें डिफरेंस बिटवीन मीडियर क्या क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये सारे लाइन देखिए एक ही में आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें हमारा क्या रहेगा इसमें यहाँ से यहाँ तक रहेगा ये चीज, जो कि ऑल्सो इनिबिट द सॉल्ट
सॉल्ट सेंसेटिव स्पेसिस रहेगा इसमें, जैसे कि हमारा साल्मोलेना हो गया जो टाइफॉइड में, एम्सिजेला हो गया, एंड अदर लैक्टोज आपका क्या फर्मेंटर्स एंड नॉन फर्मेंटर्स डाइस होगा, एंड बाइल आल्सो इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट यूज फैट फ्रॉम दोज दैट डू नॉट बैक्टीरिया बट हाइड्रोलाइज यूज टू अमोनिया H2S गैस प्रोड्यूसेस फ्रॉम नॉन प्रोड्यूसेस क्या होगा इसमें, फर्मेंटेशन ऑफ सुगर्स एंड आपका H2S प्रोडक्शन, H2 बन रहा हाइड्रोजन, सल्फर का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और सल्फर एडियर, ठीक है, एस सल्फर एस का मतलब हाइड्रोजन, इसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो यानी ये सारे जो यहाँ से यहाँ तक दिया इसका सबके मतलब दिया, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का भी, पांचवा का भी, ये जो यहाँ से हमने देखा, ठीक है, बाद में कि एक ही कॉलम जो आपका फर्स्ट में अलग कॉलम था और नेक्स्ट में आपका पूरा कॉलम एक ही में है, यानी सबके लिए ये चीजें लागू हो रहा है। थर्ड पॉइंट में हमारा स्प्रिट ब्लू अगार में क्या है कि इसमें स्प्रिट ब्लू डाई लगेगा एंड ऑयल लगेगा इसमें। नेक्स्ट में हमारा यूरिया ब्रॉथ में क्या होगा, यूरिया चाहिए, फिनॉल रेड होगा, एंड हमारा सल्फर में क्या होना चाहिए, थियोसल्फेट, आयरन, ट्रिपल सुगर्स एंड आयरन एंड फिनोल रेड डाई, ये सारी चीजें सब्सटेंस की बात किया गया और इसमें डिफरेंसेस हो गया। तो यानी डिफरेंसेस में क्या क्या देखे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग देखा कि हीमोलाइसिस और NaCl के बीच में डिफरेंसेस है। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पे अल्सो, अल्सो का मतलब भी होता है डियर, इनिबिट का मतलब रोकना होता है, यानी कि द सॉल्ट सेंसिटिव स्पेसीज को भी रोक सकता है, जैसे हमारा साल्मोलेना, सीजेला एंड अदर लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन फर्मेंटर्स, ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन फर्मेंटर्स डाइस एंड बाइल जो होगा आल्सो इनहिबिट, इन लोग दोनों को भी क्या करेगा, इनहिबिट कर सकता है, देखिए इन लोग दोनों को भी साथ में, एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होगी, बैक्टीरिया को यूज किया जाएगा फ्रॉम दोज दैट डू नॉट बैक्टीरिया दैट हाइड्रोलाइज, ये बैक्टीरिया जो रहेंगे क्या हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जैसे यूरिया टू अमोनिया हाइड्रोजन सल्फर गैस प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम किससे, नॉन प्रोड्यूसर से, किससे करेगा, फ्रॉम नॉन प्रोड्यूसर से, एंड फर्मेंटेशन जो होगा ऑफ सुगर का H2S आपका प्रोडक्शन से होगा। इसमें तीन चार क्वेश्चन टाइप में बन रहे हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने तोड़ के मैंने बताया, फर्स्ट में सीजेला वाला देखेगा, सेकेंड में आपको ये चीजें देखनी है जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाले, एंड थर्ड पॉइंट में आपको देखना है कि आपका जो ये H2S गैस का प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम किससे हो रहा है, और लास्ट में जो आपका फर्मेंटेशन जो की जा रही है सुगर का, वो किसके द्वारा प्रोडक्शन हो रही है, ये चार इसमें पॉइंट मिला, चारों को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, XLD अगार है एंड आपका क्या है, बर्सिड अगार है, ठीक है, XLD अगार, बर्सिड अगार, तो इसमें सब्सटेंस कौन कौन से है, लाइसिन है आपका, जाइलोज है, आयरन है, थियोसल्फेट है, फिनोल रेड है। नेक्स्ट हमारा इधर क्या है आपका, कैंटेरोबैक्टर, इजेरेनिया आपका, प्रोटीशियस एंड प्रोविडेंसिया, साल्मोलेना, एंसिजेला, क्रैप्टोकोकस एंड नियोफॉर्मेंस एंड अदर फंजाई में डिफरेंस रहेगा, ठीक है, ये सारे यहाँ पे दिया गया बैक्टीरिया फंजाई के सारा नाम। एंड आपका बर्ड सीड अगार में क्या है, इसमें सीड्स फ्रॉम आपका थिस्टेल प्लांट होना चाहिए, थिस्टेल प्लांट, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। बाद यहाँ पे कितना देखिए, 5 to 7 पॉइंट, ठीक है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे डियर कि आपका क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंसिएशन मीडिया, जिसमें आपका मीडिया, सब्सटेंस और डिफरेंस बिटवीन, तो दो तीन पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस की बात किया जाए, जो पूरा मिला हुआ क्या है लास्ट में, पूरा मिलाकर लास्ट में क्या इसमें दिया गया है मिसलेनियस में, यानी इसमें रिड्यूसिंग मीडिया कंटेन सब्सटेंस, जिसमें सिस्टीन होगा, थियोग्लाइकोलिक एसिड होगा, डाइट एब्जॉर्ब करेगा किसको, ऑक्सीजन, और स्लो होगा क्या, पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन या मीडियम, एंड दस रिड्यूसिंग इट्स एबिलिटी, रिड्यूसिंग मीडिया आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग एनएरोबिक बैक्टीरिया और डिटरमाइनिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यानी इसमें क्या कर रहा है मिसलेनियस में कि रिड्यूस कर रहा है, सबसे पहले कम कर रहा है मीडियम कंटेंट किसकी सब्सटेंस को,
सिस्टीन और थियोग्लाइकोलिक एसिड, दोनों में से कोई भी एक याद रह सकता और में है। डाइट एब्जॉर्ब किया जा रहा, एब्जॉर्ब का मतलब सोखना है ना डियर, एब्जॉर्ब कर रहा हमारे बॉडी में, एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा, और स्लो क्या हो रहा है, पेनेट्रेशन हो रही धीरे धीरे हो रहा है, ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, इन या मीडियम में यानी कि बीचों बीच में। दस रिड्यूसिंग, जब रिड्यूस किया जा रहा है एबिलिटी यानी उसकी जो एबिलिटी है उसको कम कर दिया जा रहा है। रिड्यूसिंग मीडिया आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग, यहाँ पे रिड्यूसिंग मीडिया जो है इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि ग्रो करने में किसको, एनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और डिटरमाइन करेगा, देखा जाएगा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस टाइम, ठीक है ना, तो ये डिटरमाइनिंग की जाएंगी। तो ये आपका मिसलेनियस मीडिया के अंदर हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया का। ट्रांसपोर्ट के अंदर में क्या हो रहा है, किसमें जो भी यूज किया जा रहा है मेंटेन एंड आपका प्रिजर्व हो रहा है क्या, स्पेसिमेन, जो भी स्पेसिमेन हो रहा प्रिजर्व है ना, पर रखा जा रहा, पकाया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है। तो डाइट हैव टू बी हेल्ड फॉर या पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या, डाइट हैव टू हेल्ड फॉर या पीरियड ऑफ टाइम, उसी पीरियड के दौरान जब उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, जब उसको प्रिजर्व किया जा रहा है उसी दौरान क्लिनिकल एनालिसिस किया गया, देखा गया, या फिर सस्टेन डेलिकेट स्पेसीज डेट डाई रैपिडली, सस्टेन जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस स्पेसीज के बारे में, जिस प्रजातियां के बारे में, वो तुरंत क्या हो जा रहा है, डाई हो जा रहा है, क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं आप, प्रिजर्व कर रहे हैं, डाई हो जा रहा, मर जा रहा है। इफ नॉट हेल्ड अंडर अ स्टेबल कंडीशन, वो आपका क्या होगा, अंडर अस्टेबल कंडीशन, यानी कि वहां पे जो भी रहेगा वो अस्टेबल नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे प्रिजर्व किया जा रहा है, तो तुरंत स्पेसिस जो हो रही है आपका मर जा रहा है, ठीक है ना, रैपिडली, बहुत ही फास्ट। नेक्स्ट हमारा एजी मीडिया में, एसी मीडिया में क्या होगा, एसी मीडिया में हमारा है कि जो भी टेस्ट किया जाएगा इफेक्टिवनेस होगा, यानी कि प्रभावशील होगा, सही तरीके से होगा। एंटी माइक्रोबाइल ड्रग रहेगा इसमें, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स होगा, एसेस किया जाएगा, इफेक्ट जो होगा डिसइंफेक्टेंस होगा, एंटीसेप्टिक होगा, कॉस्मेटिक्स होगा, एंड प्रिजर्वेटिव जो होगा ऑन ग्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए अब यहाँ पे एसी मीडिया में क्या बताया कि इसमें जो भी प्रिजर्वेटिव किया जा रहा है ऑन द ग्रोथ किसकी हो रही है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म की, लेकिन कहाँ पे, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक, कॉस्मेटिक एंड प्रिजर्वेटिव जो होगा इसमें ग्रो हो जाएगा मैक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, है ना। तो ये चीजें हमारा किसमें बताया, द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबाइल ड्रग्स, हमारा जो एंटी माइक्रोबाइल ड्रग्स होते हैं वो इफेक्ट होता है, प्रभावशील होता है बाय किसके द्वारा, जब ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, जब ड्रग हमारा आएगा है ना, टू एसेस किया जाएगा, किसको किसको एसेस किया जाएगा, देखा जाएगा इफेक्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंस, यानी कि हमारा डिसइंफेक्शन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट का मतलब, ये इफेक्ट का मतलब क्या, नुकसान ही है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक है, कॉस्मेटिक वगैरह जो लेते हैं खरीदते हैं, एंड आपका ये प्रिजर्वेटिव किया जाएगा ऑन द ग्रोथ ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जब इसमें प्रिजर्व किया जाएगा तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या, ग्रो करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हमारा ऐसे मीडिया में रहा दिया। नेक्स्ट हमारा एन्यूमिनेशन मीडिया की बात किया जाए, इसमें क्या किया जा रहा है कि यूज बाय इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल मैक्रो बायोलॉजिस्ट, है ना, इसमें क्या यूज किया जा रहा है, इंडस्ट्री एरिया में, और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो देखते हैं, टू काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मिल्क में, पानी में, फूड में, सॉइल में एंड सैंपल्स में। सोच सकते हैं एन्यूमरेशन मीडिया में इतनी बड़ी बातें हैं कि कितना मिल्क में कितना बैक्टीरिया वायरस है, पानी में कितना है, फूड में कितना है, सॉइल में कितना है, अदर सैंपल जो लिया गया उसमें कितना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डियर, कल्चर में एग्जिट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जैसे कि कौन सा प्योर होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, कॉन्टेमिनेटेड होना चाहिए, जो भी कल्चर, जो सैंपल लिया जाएगा, कल्चर टेस्ट किया जाएगा, मे एग्जिट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, एग्जिट यानी कि बाहर हो जाता है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म से, जैसे प्योर, मिक्स और कॉन्टेमिनेटेड। कॉन्टेमिनेटेड चीजें तो हमारे लिए ए होता है, नुकसानदेह होता है डियर, ये तीन चीजें को ध्यान रखना आपको, जो कि पूछ सकता है एग्जाम में कि कल्चर में एग्जिट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, एक्सेप्ट में पूछ सकता है, एक छोड़कर कौन सा है, या फिर ऑल ऑफ द एबव में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या, इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शंस मतलब वही जो हम कैसे देखेंगे, देख रेख करेंगे, निरीक्षण, या कल्चर और ऑब्जर्व मैक्रो, जो भी मैक्रोस्कोपिक है, यानी कि यहाँ पे एम ये है डियर, मैक्रो, मैक्रो नहीं है, बिल्कुल न्यूनतम नहीं है, एम ये है मैक्रोस्पेकली फॉर ऑब्वियस ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो होगा इसका कलर जो रहेगा, टेक्सचर्स रहेगा, साइज जो रहेगा उसका,
आपका क्वाइल्ड, यहाँ पे क्वाइल्ड भी यूजफुल एनालाइज किया जाएगा स्पेसिमेन कंटेंट का। किसका किया जा रहा है? स्पेसिमेन कंटेंट का एनालाइज किया जा रहा है। स्लाइड्स जो बनाया जाएगा, स्लाइड जो ली जाएंगी, मेड टू असेस मैक्रोस्कोपिक से देखा जाएगा डियर। जैसे कि मलेरिया की स्लाइड टेस्ट भी होता है और किट टेस्ट होता है, रैपिड किट टेस्ट, दो तरह से टेस्ट होती है। डिटेल सच एज सेप, साइज, मोर्टिलिटी क्या है उसका डिटेल देना होगा। स्टेनिंग जो बनाएगा, जो लैब टेक्नीशियन जो स्टेनिंग करेगा, टेक्निक में भी यूज टू गैदर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन मैक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी से। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब देखना होता है आपको। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखने में सेम, तो ये चीजें क्या करेगा, मैक्रोस्कोपी से देखेगा वो। ठीक है, जो लैब टेक्नीशियन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम पहचानेंगे, तो ये चीजें आपका क्या है, आ मेजर पर्पस ऑफ दी फाइव आपका लेटर एस इज टू बी डिटरमाइन द टाइप ऑफ माइक्रोब। फाइव लेटर माइक्रोब की बात करें, टाइप ऑफ माइक्रोब, अलग अलग प्रकार के माइक्रोब होते हैं, यूजुअली टू द लेबल ऑफ स्पेसीज जोड़ेंगे, जो प्रजातियां का जो लेबल होगा अलग अलग। स्पेशलाइज्ड टेस्ट इंक्लूड बायोकेमिकल टेस्ट टू डिटरमाइन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्पेसिफिक टू द माइक्रोब। यानी इसमें ये चीज बताया कि सबसे बड़ा पर्पस किसमें है डियर, आइडेंटिफिकेशन में। हम लोग भी कहते हैं ना घर में कि हम इसको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि मेजर पर्पस होता है फाइव लीटर एस टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ माइक्रोब यूजुअली टू द लेबल ऑफ स्पेसिस, कौन कौन सा लेबल का प्रजातियां हैं। स्पेशलाइज किया जाता टेस्ट के साथ में, इंक्लूड किया है बायोकेमिकल टेस्ट, एंड आपको डिटरमाइन करेगा इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, और स्पेसिफिक देखेगा माइक्रोब को कि कितना इसमें माइक्रोब प्रेजेंट है। तो ये चीजें आइडेंटिफिकेशन के अंदर में हुआ डियर। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, एंड साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।